नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं आज मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी देहरादून में और उसके भी मशहूर बाज़ार में। जी हाँ, मेरे मशहूर बाज़ार के बीच में खड़े होने का मकसद आप पूछेंगे तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि चुनावी माहौल बन चुका है। 14 फरवरी को चुनाव का आयोजन होना है और लगातार हम संख्या और आंकड़ों पर बात कर रहे हैं जो इस मतदान की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे। तो उसी बीच जब हम आज बाजार पहुंचे तो आपको ये भी बता दें कि व्यापारियों की जो भूमिका है मतदान प्रक्रिया में वो पूरी जनसंख्या में से 11% है। जी हाँ, 11%। इस आंकड़े को एक बार नज़र में रखें क्योंकि ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। किसी भी जीत पर, किसी भी पार्टी की जीत का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। व्यापारियों की जीत सबसे महत्वपूर्ण होगी, उनके वोट बहुत महत्वपूर्ण होंगे और भाजपा हो या कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य दल इस बड़े आंकड़े को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो इसी बीच आज हम यहाँ राजधानी में पहुँच चुके हैं, मार्केट में पहुँच चुके हैं, जहाँ व्यापारियों से बातचीत करेंगे और तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त व्यापारियों का वोट किसके पास है। जी हाँ, और मैं आपको साथ ही साथ एक और आंकड़ा भी दिखा देती हूँ जो कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ कर देगा कि उधम सिंह नगर, जी हाँ, उधम सिंह नगर में 1,03,000 के करीब व्यापारी हैं जिनका मतदान देना और उनके वोट्स बेहद कीमती होंगे। और अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी 44,000 व्यापारी इस वक्त मौजूद है जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो इसी के साथ हम व्यापारियों से जानकर बातचीत कर लेते हैं कि उनका वोट किस पार्टी को जाने वाला है, किस दल को जाने वाला है, क्योंकि इनका वोट बेहद कीमती होने वाला है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्यापारियों का वोट इस टाइम बहुत कीमती होने वाला है, 11% कुल जनसंख्या में से व्यापारी हैं, तो आपका वोट किस को जा रहा है? देखो जी, हम तो वोट देंगे भाजपा को, क्योंकि अगर भाजपा है तो उत्तराखंड भी सुरक्षित है और देश भी सुरक्षित है, क्योंकि योगी और मोदी ही इस देश को सुरक्षित रख सकते हैं और इसी में हमारी सुरक्षा है। बाकी हमारी कुछ समस्याएं हैं व्यापारियों की, जैसे अभी इन्होंने जो है टैक्स बढ़ाने की बात करी थी, जैसे हमारे कपड़े का काम है उस पर इन्होंने कहा था तीन, उसमें एक कैटेगरी है, एक 5 की थी, एक 12 की, एक 18 की, तो इन्होंने कहा 18 वाले को भी 12 कर देंगे और 5 वाले को भी 12 कर देंगे। तो अब ये बताओ, हमारे पे 5% टैक्स लगता है, अगर वो 12% कर देंगे तो हम 1,00,000 पे अगर 5,000 रुपये देते हैं टैक्स, तो हमारा 12,000 देना पड़ेगा। तो एक तो इसको रोका जाए, अब बजट आज आ ही रहा है, तो दूसरा ये और बहुत सी समस्याएं हैं व्यापारियों की, जैसे GST की समस्या है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो गया, व्यापारी परेशान है, उसको कम किया जाए, व्यापारियों को सुविधा दी जाए, टैक्स में सुविधा दी जाए। और हम कहते हैं एक व्यापारियों के लिए एक आयोग बनना चाहिए, उस आयोग से व्यापारियों को हेल्प मिलनी चाहिए। हेल्प ये है, जैसे बीमारी में, कोविड में कई व्यापारियों के साथ दुर्घटना हो गई, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। और बहुत समस्या बाज़ार की समस्या है, हमारे पल्टन बाज़ार की, पल्टन बाज़ार में छज्जों की समस्या है, पल्टन बाज़ार अभी बन नहीं रहा, स्मार्ट सिटी के नाम पे दुनिया भर की तोड़फोड़ हो रखी है। सरकार 5 साल रही मगर सरकार ने काम नहीं किया बढ़िया, और फिर भी इसके आप बावजूद बीजेपी को वोट दें? वो इसलिए है कि हम बीजेपी के राज में सुरक्षित है, बीजेपी को वोट इसीलिए देंगे हम, चाहे हमें परेशानी ज़रूर है मगर उस परेशानी से बचे हुए हैं हम, जो परेशानी हमारे लिए पैदा की जा रही है और जितनी भी पार्टियां हैं वो एक तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। और हम 80% गारंटी देते हैं कि देहरादून से बीजेपी ही जीतेगी, उत्तराखंड से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये हमारी गारंटी है। पर कहीं ना कहीं व्यापारियों की अगर समस्याओं की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पर खड़े होने उतरने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बीजेपी ने भी करी है, अनिल गोयल जी जो बीजेपी से हैं व्यापारी नेता, और कहीं ना कहीं जो लालचंद शर्मा है वो कांग्रेस से हैं, तो उनमें से किसने आपकी सुध लेने की कोशिश की और उन्होंने कितना काम किया, क्योंकि आप तो चुनाव आ चुके हैं तो इस पर आप बताइए कि क्या काम हुआ? ऐसा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या काम किया? आपने लालचंद का नाम लिया, भाई ठीक है उन्होंने किया होगा जिसके लिए, यहाँ तो जमीनी स्तर पे तो कोई नजर नहीं आया। उन्होंने बात करी कि चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो हमने काफी ज्यादा व्यापारियों के लिए सोच रखा है, प्लान्स बना रखे। सोच रखा है ना, सोचा तो नहीं। हरीश रावत कह रहे हैं कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, जब थे तब क्यों नहीं बनाई, आज चुनाव है इसलिए वो बोल रहे हैं ना। तो ऐसा है ना, इस समय तो लॉलीपॉप हर कोई थमा देगा आपको, हम लैपटॉप भी दे देंगे, हम 300 यूनिट। अब मुझे बताओ ये जो बिजली फ्री देंगे, ये पैसा है, क्या नेता अपनी जेब से दे रहे हैं? ये हमारे आपका ही तो पैसा है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, तो इनको क्या अधिकार है कि मुफ्त में लैपटॉप, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी क्यों देंगे? ये कहाँ से देंगे? अपने पास से देंगे, हमारा ही पैसा तो देंगे,
फिर हमारे पैसे हमारे भी इस्तेमाल कर रही है और अपनी बात रख रहे हैं। मुफ्त की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं और देखो दुनिया भर की जो है ऐसे ऐसे वायदे कर रहे हैं। ये मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, जमाखोरी बंद होनी चाहिए, प्रशासन थोड़ी सख्ती करे। देहरादून में व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, अनाप शनाप गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं करती अच्छी तरह से, समझे, सब पब्लिक पे छोड़ देती है। अब पल्टन बाज़ार का हाल देखो क्या है, बिल्कुल बेहाल हो रखा। आप पल्टन बाज़ार की फ़ोटो बनाओ सर, वो तो मैंने भी देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या खेल चल रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है, ना जनता से ना सरकार से, पर फिर भी आप जो बीजेपी पर इतना भरोसा जता रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसका। एक बार मुझे कुछ ऐसा कार्य गिना दीजिए जिसके कारण आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं। हम बीजेपी को वोट दो कारणों से देंगे, एक तो हम बीजेपी के राज में सुरक्षित है, और जो हमारे इलाके का जो किस चीज में सुरक्षित, अपने आप में सुरक्षित है, क्राइम कम है। यूपी में देखो क्राइम बिल्कुल कम कर दिया योगी ने, हमारे उत्तराखंड में भी क्राइम बहुत कम है। सर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्राइम की रफ्तार नहीं थम रही है। उसकी वजह है जितने ये बाहर के लोग आए हैं यहाँ पे, समझे, इनको एक तो भूमि कानून बनाना चाहिए, भू कानून बनाना चाहिए। यहाँ पे बाहर से आके वो जो है यहाँ पे दुनिया भर की ज़मीनें खरीद रहे, और इधर उधर के लोग आके यहाँ पे जितने भी बाहर के यूपी के और कहीं के वो लोग हैं जो भी वहाँ पे क्राइम टाइप के हैं, वो सब हमारे उत्तराखंड में आ गए। सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर रही, मगर हम तो कहते हैं ना सरकार उन पर कंट्रोल करे, जब उसे पता है कंट्रोल करेगी तभी क्राइम रुकेगा। ऐसे सरकार ठीक है जो भी कर रही है, मगर हम बीजेपी को वोट देंगे जी। तो कहीं ना कहीं एक व्यापारी का मानना है कि बीजेपी को वोट जाएगा। और मैं इसमें एक बात और एड ऑन करना चाहूँगी कि जो चुनावी प्रचार प्रसार होता है वो सबसे ज़्यादा बाजारों में ही होता है, ये कहीं भी बात नहीं छुपी है। आप देखेंगे पूरे बाजार में तो किस तरीके से जो सबसे ज़्यादा चुनावी खर्चा भी होता है वो भी बाजार पर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाजार की जो भूमिका है और जो व्यापारियों की भूमिका है वो बेहद ही इस बार अनुभवी होनी चाहिए होगी। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है कि इस बार कौन से व्यापारी किस पार्टी के साथ है, क्योंकि जो भी मैंने आपको आंकड़ा दिया है कि 11% यानी 10 लाख से ज़्यादा की जन जो संख्या है वो व्यापारियों की है, तो ये वोट और ये जो आंकड़ा है वो किसी भी पार्टी की जीत का कारण बन सकता है। तो ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो और व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। तो सर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वक्त व्यापारियों का क्या है मानना, कौन सी सरकार इस बार आपके वोटों से जीते? देखिए व्यापारी, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा स्थिति जो ख़राब हुई है व्यापारियों की हुई है, और हमारा तो मानना यह है कि जो वर्तमान सरकार है वह हर क्षेत्र में इस समय बढ़कर कार्य कर रही है, क्योंकि कोरोना काल में अरबों रुपए की डोज जो लगी है लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम व्यापारी हैं, व्यापार चिंता का विषय है, लेकिन हमारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। हम आपके सामने खड़े हैं और इस तरह से आपको डिबेट दे रहे हैं, तो ये जीवन जो हमारा बचा है कहीं ना कहीं इसमें हम मानते हैं कि सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। उसने समय रहते इस विषय को समझा, वरना बड़े बड़े विकसित देश भी आज परेशान है, जैसे अमेरिका हुआ, वहाँ भी कोरोना की, और व्यापारी के ऊपर सबसे ज़्यादा चोट क्यों पड़ी है, क्योंकि जो नियम कायदे लागू हुए व्यापारी के ऊपर हुए। तो नहीं, व्यापारी ठीक है, आगे सर्वाइव करेगी सरकार और हम लोग भी उसके साथ हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से सरकार चलेगी तभी स्टैब्लिश होकर वो व्यापारियों के हित के लिए कार्य करेगी। अगर हमने चयन करके दूसरी सरकार को ले भी आते हैं तो उसको समझने में समय लगता है, लेकिन वर्तमान सरकार समझ चुकी है, और हमारा मानना है कि व्यापारियों के लिए एक आयोग निर्धारित होना चाहिए जिसमें व्यापारियों की समस्या रखी होनी चाहिए और उनका समाधान भी होना चाहिए। पर आपका क्या मानना है कि आपका वोट किस पार्टी को जाएगा? देखिए मेरा वोट तो वर्तमान में, देखिए हम अगर राज्य के चुनावों में भी दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दे रहे हैं। हमारे सामने चेहरा सिर्फ एक है, हम वर्तमान सरकार को यहाँ नहीं जानते, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है 6 माह का कार्यकाल उनका है, बहुत अल्प कार्यकाल है, लेकिन उसमें उन्होंने जो करने का प्रयास किया है सफिशेंट है। तो हम केंद्र सरकार के चेहरे पर यानी कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर भाजपा को वोट देंगे। और इसके अलावा मैं एक और सवाल करूंगी कि व्यापारियों की क्या मांग रहेगी, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अगर जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए व्यापारियों का सबसे ज्यादा चिंता का विषय महंगाई में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है वह चिंता का विषय है।
अगर आज बाजार में एक ग्रहणी कोई रेडीमेड में लहंगा का लहंगा लेने आती है, उस लहंगे से खाली लहंगा नहीं बिकता, लहंगे के साथ काम करने वाले उसमें कितने कर्मचारी जुड़े होते हैं, उस दुकान का एम्प्लॉय जुड़ा होता है, तो मतलब एक लहंगे से 50 लोगों का रोजगार चल रहा होता है, या एक साड़ी से 10-20-50 लोगों का रोजगार चल रहा होता है। तो ये सब चीज़ें सरकार को करनी होगी कि ये महंगाई बढ़ने के कारण वो जो आम मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को सरकार गधे की तरह यूज़ करती है, धोबी घाट से उसके ऊपर इतना वजन लाद दिया और वो धोबी घाट से धोकर गधा अपने मालिक के घर तक भी आ गया, उसके बाद उसको चारा चरने के लिए भी जंगल में भेज रहे हैं, मतलब उसको चारा भी नहीं मिल पा रहा। मिडिल क्लास से सबसे ज़्यादा आमदनी सरकार को हो रही है, लेकिन मिडिल क्लास का ध्यान सरकार नहीं रखती। या तो निम्न वर्ग को आप देखते हो फ्री राशन भी मिल रहा है, उच्च जो व्यापारी हैं उनको छूट भी दे रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कभी कोई योजना नहीं आती, व्यापारियों के लिए कभी कोई योजना नहीं आती और बजट में उनके लिए कुछ होता भी नहीं। तो मेरा अभी तत्कालीन सरकार तो भाजपा है, भाजपा के कार्यकाल में ही आपने ये जो जितनी भी मेरे को समस्याएं गिनती कराई हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है, फिर उसके बावजूद भी आप बीजेपी पर इतना भरोसा। बीजेपी पर इसलिए भरोसा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है हमें पता है कि वो अपने लिए नहीं कर रहा, वास्तव में उन्होंने अपने जो जीवन में उनको तनख्वाह सरकारी मिलेगी वो भी सरकार का जो अपना पैसा है वो भी समाज के लिए डोनेट कर देना। तो ऐसे व्यक्ति पर ना हम आए दिन सुनते थे 3,000 रुपये का घोटाला, 3,000 करोड़ का घोटाला, 2,000 करोड़ का घोटाला, ऐसे घोटाले अब सुनने में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है जो हमारा पैसा, बेशक हमारे ऊपर मार है, हम दबे हुए हैं, हम पीड़ित हैं, लेकिन हमारा पैसा कहीं ना कहीं सही जगह लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं सब्सिडी भी मिल रही है, उस सब्सिडी में हमारा पैसा जा रहा है, हम और आगे सर्वाइव करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं, हम भूखे नहीं मर रहे। और हमें इस सरकार में भरोसा है कि 80 लाख लोगों तक राशन पहुंचाने का जिम्मा जो सरकार ने लिया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। व्यापारियों का क्या मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव को लेकर, क्या है सरकारों से अपेक्षा? देखिए वर्तमान में तो आपके मुद्दे कुछ भी हो, अभी इम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं होगा, अभी नेक्स्ट टाइम जो सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि हमारे लिए एक आयोग बनाया जाए व्यापारियों के लिए। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी हुआ है, छोटा व्यापारी मर गया, टूट गया, आज उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, आर्थिक रूप से भी गया, स्वास्थ्य से भी गया, स्वास्थ्य में भी सुविधाएं नहीं है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है तो शिक्षा के लिए भी उसके पास इतनी मुश्किल हो गई है क्योंकि स्कूलों ने इस लॉकडाउन के समय भी फीसें पूरी ली है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर गौर देने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता। आप जिस आयोग की बात कर रहे हैं वो किस किस एक थीम पर काम करेगा, ये जरा व्यापारियों के हित के लिए, सिर्फ व्यापारियों के हित के लिए वो आयोग तैयार करे। और क्या क्या विषय रहेंगे उसमें? मुख्य रूप से विषय रहेंगे कि व्यापारी, जिस प्रकार व्यापारी का काम चलता है, मंदा तेजी है, आज किसानों की तरफ भी देख रही है सरकार, देश की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग सरकार को GST के माध्यम से, आप देखिएगा कोरोना काल में भी GST बहुत बढ़ चढ़ कर व्यापारियों को गया हुआ है, तो ये जब व्यापारी के द्वारा इतना पैसा दिया गया तो व्यापारियों की चिंता भी तो सरकार को करनी पड़ेगी ना, और वो चिंता आयोग के माध्यम से ही हो सकती है कि उसके लिए एक अलग से आयोग निर्धारित किया जाए जिसमें व्यापारियों की चिंता, छोटे व्यापारी, फल व्यवसायी, आए दिन अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यापारी को हटा दिया जाता है, क्यों भाई, एक छोटा व्यापारी भी एक अपने व्यवसाय से कम 10-20 लोगों का पेट पालता है, तो ये चिंता सरकार को करनी होगी और इसके लिए उसको आयोग का निर्माण करना होगा। जी, तो जैसा कि हमने इनसे बातचीत करी और आखिर में यही निर्णय जो निकल कर आ रहा है कि एक आयोग का गठन करना चाहिए सरकार को, तो चलिए अब बाकी लोगों से भी जान लेते हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के व्यापारी नेता लालचंद शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में से 11% ऐसी जनसंख्या है जो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो किसी पार्टी की जीत का भी एक कारण बन सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है लालचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है व्यापारियों को लेकर, किस तरीके से काम कर रही है? देखिए कांग्रेस हमेशा व्यापारियों के हितों में काम करती रही है, जब हमारी राज्य में पहले भी सरकार थी तो व्यापारियों के हितों को लेकर हमने लगातार काम किए हैं, चाहे व्यापारियों मंडल के द्वारा CCTV कैमरे लगाने की बात रही हो बाज़ार के अंदर, चाहे वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम की बात रही हो, तो हम लोग लगातार जो है व्यापारियों के हितों में काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से व्यापारियों को उत्पीड़न करने का काम किया है, आज व्यापारी वर्गों में रोष है, आज GST बढ़ा दी गई, नोटबंदी कर दी गई, लॉकडाउन के दौरान जो सुविधाएं देनी चाहिए थी हाउस टैक्स को लेके वो नहीं दी व्यापारियों को, तो इसलिए आज व्यापारी वर्ग जो ये देख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उसने वादे हमारे साथ किए थे उन वादों पे वो खरा नहीं उतरी है, बस फिर कांग्रेस ने जो वादे हमेशा कांग्रेस जो व्यापारियों के लिए किए हैं उन व्यापारियों को काम को पूरा करने का काम किया है कांग्रेस ने। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसे 5 काम मुझे आप गिनवा दीजिए जो अभी व्यापारियों के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है।
देखिए, अभी जो व्यापारियों के हितों के लिए हमने बात करी है, हमारा मैनिफेस्टो भी आ रहा है, उसके अंदर भी हम जो छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे क्या नाम है लघु उद्योग वाले हैं, हमारे औद्योगिक घराने के लोग हैं, उन्हें बिजली में रियायत देने की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो है जो छोटा व्यापारी है उसके टैक्सेशन को कम करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम जो देहरादून के अंदर हुआ है, हमारा ये मांग है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी काम हुए उनकी हम जाँच की मांग करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी के द्वारा विकास की बात तो करेंगे, लेकिन विकास तो व्यापारियों का हुआ नहीं, लेकिन व्यापारियों को नुकसान उससे ज़्यादा हुआ है। तो इसी तरह से जो CCTV कैमरे लगाने की बात हम लोगों ने कर दी, जो अधूरा छोड़ दिया गया है, उसे हम पूरा करेंगे। हमारा इंदिरा का मार्केट का रीडेवलपमेंट प्लान है, उसे रोक दिया गया, हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम जो व्यापारियों के नोटबंदी के दौरान जो नुकसान हुआ है, लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ है, और जो हाउस टैक्स हमने कम करने की बात कर दी, कमर्शियल टैक्स कम करने की बात करी थी, उसे भी कांग्रेस जो है कम करने का काम करेगी। तो वो क्या प्लान रहेगा, क्या स्कीम रहेगी, वो किस तरीके से कम हो सकता? अभी देखिए, सरकार आने दीजिए, उसके बाद फिर व्यापारियों के साथ बैठेंगे, उन्हें बुलाया जाएगा, उनके साथ हर काम पे सहमति बनाई जाएगी, उसी के बाद जो है सारे कामों को किया जाएगा। और सर, कहीं ना कहीं जो संगठित करने की ये बात चल रही है, व्यापारियों के इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो आपकी पार्टी की उसमें क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है कि अब उनको जो पूरी तरह से तैयार करना है कि वो कांग्रेस पार्टी? हमारे व्यापार मंडल, हमारे कांग्रेस का एक अपना विभाग है, उसके हमारे जो साथी हैं वो लगातार व्यापारियों के संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, विकास नगर हो, हल्द्वानी हो। तो हमारा एक अपना कांग्रेस का व्यापार मंडल भी है, उसके अंदर जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो व्यापारियों से मिल भी रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। जहाँ भी कोई दिक्कतें आएंगी तो हम उन्हें सब मिल बैठ के उसे दूर करने का काम करेंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने लालचंद शर्मा जी से बात की, जो एक कांग्रेस के व्यापारी नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है कि हम व्यापारियों को एकजुट कर उनकी जितनी भी समस्या है उन पर काम करेंगे। पार्टी अगर सत्ता में आती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो जरूर छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों की समस्याओं का हल किया जाएगा। तो अब असल बात तो ये होगी कि व्यापारियों का क्या मानना है। तो आज हम बाजार में जाएंगे और ये जानेंगे कि असल में व्यापारियों की क्या दशा है, कांग्रेस पार्टी के हित में है या BJP के, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो हम मार्केट में जाएंगे, उत्तराखंड की सबसे मशहूर पल्टन मार्केट में जाएंगे और जानेंगे लोगों का, व्यापारियों का मानना कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी या फिर BJP पार्टी सत्ता में आएगी, कौन व्यापारियों का दिल जीतेगा। क्योंकि जितनी संख्या में व्यापारी हैं, कुल 11% उत्तराखंड की जनसंख्या में से जो व्यापारी हैं, उनका मानना, उनके वोट किसी भी पार्टी की जीत का कारण बन सकते हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं, इस बार व्यापारियों का वोट किसको जाने वाला है? देखो जी, हमारा व्यापार मंडल तो BJP को जा रहा है। इधर तो पूरे मंडल ने एक सोच बना रखी है, BJP एक तो दो मंडल बने हुए ना, एक कांग्रेस की है, एक BJP की है। मनोज जो है वो तो BJP में जा रहा है। BJP का आपको क्या लग रहा है, कितने लोग हैं इस वक्त? आधे आधे हो रखे हैं। तो कितनी संख्या, कितनी होगी? हजारों की संख्या है वैसे तो। अच्छा, हजारों की संख्या में अभी BJP वोटर्स तैयार है और आप भी उसी में ही हैं? नहीं, हाँ जी। अच्छा, तो क्या वजह है जो BJP को आप वोट दें? बस हमारे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष BJP के हैं। अच्छा, हमारी समस्या वही सुनते हैं, इसलिए इस कारण आप BJP को वोट देंगे। पर आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा कि अगर कोई भी सरकार आए तो क्या व्यापारियों के लिए काम करना चाहिए? व्यापारियों का मुद्दा तो कोई भी सरकार नहीं सुनती है, व्यापारी की तो कहीं भी वैल्यू नहीं है। दो पैसे का पुलिस वाला आता है तो वो भी बेइज्जती करके चला जाता है, व्यापारियों कहीं सुनवाई नहीं है। कोई सी भी सरकार आ जाए तो फिर भी आप BJP को जिताएंगे? तो वोट तो देना पड़ता है लोगों, कोई भी किसी को भी दे दे वोट, कोई सी पार्टी दे दे, लेकिन व्यापारियों का मुद्दा कोई सरकार नहीं सुनती। अरे क्या आपका मुद्दा, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ भी नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, क्या करे आदमी। हमारे मार्केट डाउन है, लॉकडाउन की वजह से मार्केट डाउन है, कारोबार नहीं है। सरकार क्या कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, हम पीछे जा रहे हैं, हर साल लॉस हो रहा है, कोई नहीं सुनता, व्यापारी की तरफ तो ध्यान ही नहीं है किसी का भी। अच्छा, तो यही मैं सवाल आपसे भी उठाना चाहूंगी कि आप भी एक व्यापारी हैं, तो किसको जाने वाला आपका वोट? जी, किसको वोट जाने वाला? मेरा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। चलो, इस बाजार में हमें तीसरा वेरिएशन में मिल चुका है, जो उत्तराखंड का तीसरा विकल्प है, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी ने बहुत सुविधा की है दिल्ली में, जैसे देखा जाए तो लेडीज के लिए देख लो आप, लेडीज के लिए कितनी सुविधा कर दी है। यहाँ BJP की सरकार ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया लेडीज के लिए। वहाँ पर किराया फ्री, और जो है रेप केस कितने होते थे वो भी उन पर
बहुत सुविधा ही आई है मतलब आम आदमी पार्टी के लिए ना। तो यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी आती है तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए? मैडम बहुत सुविधा हो जाएगी, मतलब अगर यहाँ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आती है तो पहले तो यहाँ देखिए आप सड़कें, यहाँ पे लाट लगती है सड़कों में, सड़कें ही नहीं बनाई जाती है बीजेपी की सरकार, भयंकर सड़कें भी ऐसी बनाती है एक तरफ से पता नहीं कैसी बनाती है। और दूसरी आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में सड़क विकास वाला मुद्दा तो रखा ही नहीं है। मैडम क्यों नहीं है, अब चाचा बताएंगे, हमारे इन्हें पता है ज्यादा, इनसे सीखते हैं। अच्छी है आम जनता के लिए उसकी, जहाँ दिल्ली के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा स्कूल पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे और महिलाओं पे, हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम अच्छा कर रही है। तो आम आदमी पार्टी को आपका वोट क्यों नहीं जा रहा है? आप पूरे संगठन के साथ चल रहे हैं। हमारे पास आम आदमी पार्टी का अभी तक, हमारे पास आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कोई नहीं आया मार्केट में। भाजपा कांग्रेस के आ गए? हाँ दोनों आ गए, कल कांग्रेस का आया था, आज भाजपा का आया हुआ था। कौन सा नेता आया और क्या क्या वादे करके गए, ये जान लेते हैं। वादे तो इनके हम विश्वास क्या करें, वादे तो कर लेते, काम नहीं करते ना। वो तो बात सच है पर क्या वादे किए ये जानना बेहद जरूरी। वादे तो करते रहते हैं, मैं कोई विश्वास नहीं वादों पे। क्या है वादे? वादे कुछ भी कर लेते हैं, वादों का कोई विश्वास ही नहीं है। क्या 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 कहा? यहाँ बोल लेते हैं अच्छे दिन आएंगे, आपके बुरे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। कह रहे स्मार्ट सिटी, क्या बोला? स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं ये, कहीं पे गड्ढा है कहीं पे कुछ है, आप दिखा सकते हैं सड़कों पे लोग पीछे आज से 6 महीने पहले इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी की सड़क बना रहे हैं, उसमें कोई बेरियल नहीं लगा, उसके अंदर एक लेडीज गिरी, उनके पैर में चोट लगी। उस लेडीज के घर में कोई कमाने वाला है नहीं है, सरकार देखने नहीं आ रही, कह रही कि हम स्मार्ट सिटी का प्रयोग करिए, स्मार्ट सिटी का बाजार ये बाजार में था एक टाइम पे, इतनी सी जगह में आदमी अपनी दिहाड़ी बना के ले जाता है, इस टाइम पुलिस वाले आते हैं हफ्ता वसूली करते हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं है। सरकार हफ्ता वसूली का यहाँ पर चल रहा है पुलिस वालों का, सब करते हैं मैडम, हर जगह भ्रष्टाचार तो हर जगह है। मतलब क्या है हिसाब किताब भ्रष्टाचारी का, ये भी मैं आपसे जान लेती हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही आपको? नहीं कुछ नहीं मिल रही है। तो चाहते क्या आप वैसे सरकार से कि क्या चाहिए? आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है दिल्ली में, लेडीजों के लिए फ्री सुविधा है, सब कुछ है, बसों में इसमें उसमें, स्कूल उन्होंने सरकारी बढ़िया कर दिया, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। मैडम यही देखा जाए तो 300 यूनिट वैसे ही फ्री मिल रही है, 1000 ना कहीं, वो तो आम जनता का पैसा है ना, फ्री तो नहीं कहेंगे। फ्री है मैडम ऐसे 300 यूनिट तो फ्री है, 300 यूनिट तो वैसे ही फ्री है। लोग अपनी जगह भर रहे हैं। अच्छा वो तो हमारे पर, वो कह रही है कि आपका पैसा मैं आपके ऊपर लगा रहा हूँ, वो किसी ना किसी दौरे में हमारे ऊपर लगा रहा, वो कहता है मैं हर माँ का बेटा हूँ मैं आपके ऊपर लगाऊंगा पैसा। पर आपने ये इतनी बड़ी बात कही, पर आप अंकल ने भी जिस तरीके से बताया कि सर ने कि किस तरीके से जितनी भी सरकारें आती है वो बड़े बड़े वादे तो करती है पर धरातल पर नहीं उतरती। हमने आम आदमी पार्टी का काम देखा है। हाँ जी उसका हम गए हैं खुद, हमारी मम्मी गई हैं, उन्होंने उनको फ्री सर्विस मिली है बसों में। अच्छा। हाँ जी स्कूल देख चाहते हैं आप उत्तराखंड में भी आ जाए। मैडम क्यों इतनी दिल्ली में लेडीज नहीं जितनी उत्तराखंड में, यहाँ पे स्टूडेंट देखो कितने हैं, यहाँ पे लड़की आती है भाई उनका तो आधा तो किराए में ही चला जाता है उनका, और यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी आएगी और लेडीज़ों को सुविधा मिलेगी उसमें ही उनका ही होगा मान सम्मान, ये तो है केजरीवाल का। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उनकी दिल्ली चल रही है, तारीफ उनकी यहाँ हो रही है, क्यों हो रही है? उनको मैं काम किया है। अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो उत्तराखंड का तो नक्शा ही बदल देगी, अलग ही देखने को मिलेगा। अच्छा अब दिल्ली जाते हो आप, देखो दिल्ली में कितनी सुविधाएं हैं, रोड ऐसी हो रही है ना दिल्ली में, अब यहाँ पे आप गाड़ी चलाओगे, अब ले आओ स्विफ्ट ले आओ कोई भी ले आओ, 3 दिन में खचड़ा हो जाती है गाड़ी। अब दिल्ली ले जाओगे आप स्विंग एकदम बढ़िया चलती है गाड़ी जाके ना, यहाँ पे तो रोड ही बढ़िया नहीं है पहली बात, तो क्या करें। हाँ तो मैं अब हमने जितने व्यापारियों से बातचीत तो कर ली है, अब मैं आपको साथ ही साथ स्मार्ट सिटी की दशा भी दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अपनी इस रिपोर्ट को एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दशा दिखा देती हूँ कि हम जहाँ व्यापारियों की नगरियों में खड़े हैं, जी हाँ हम बाज़ार में आ चुके हैं, जहाँ हमने व्यापारियों से बातचीत की, तो आप माहौल देख सकते हैं कि सबका मानना ये है कि बीजेपी के वोटर्स ज़्यादा हैं, दो पार्ट्स में जो व्यापारी हैं वो बढ़ चुके हैं, एक बीजेपी के संगठन बन चुका है और एक कांग्रेस का संगठन बन चुका है, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आम आदमी पार्टी के एक दो जो व्यापारी थे उन्होंने बातचीत की और उनका मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो वो यहाँ की दशा बदल देगी, नक्शा बदल देगी और वो ईमानदार सरकार है। पर एक बात इन्होंने ये बात कही है कि अगर दिल्ली में काम हो रहा है, यहाँ उनकी तारीफें हो रही है, तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ आम आदमी पार्टी है और बीजेपी कांग्रेस पर जनता भरोसा कर रही है, तो ये बेहद दिलचस्प है।
और लगातार हमने व्यापारियों से बातचीत करके ये एक कंक्लूजन निकाला है कि इस वक्त बीजेपी के वोटर्स जो हैं व्यापारियों में ज़्यादा देखने को मिले हैं, यानी कि जो 11% जनसंख्या व्यापारियों की है वो पूरी कायापलट कर सकती है बीजेपी के उससे भी और कांग्रेस के उससे भी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया।